जय श्री कृष्ण राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो एक्सरसाइज 11.1 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा, ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर कितना 35 mm। लिखा द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर। हमें फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर इसमें यूज है। साथ में फाइंड करना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। क्वेश्चन लिखा है एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है 35 mm, डायमीटर कितना है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों 5 डायमीटर को बनाने में भी उससे प्रयोग किया गया है जो उससे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। डायग्राम आपको दे रखा है तो याद कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई और ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो कितने डायमीटर से बनाई है 5 डायमीटर से 1, 2, 3, 4 and 5 5 डायमीटर से मिलकर बना है। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर को बनाने में कितनी लेंथ यूज हुई। तो ध्यान से देखना इस सिल्वर वायर को बना रहे अपने, तो यहाँ एक तो हमने सिल्वर वायर का एक राउंड शेप दी है सर्कल की, तो वहाँ वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 2πr। और उसके साथ में हमने 5 क्या है डायमीटर, ये भी हमने क्या है सिल्वर के वायर यूज किए 1, 2, 3, 4, 5। देखो 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे हमने कितने सिल्वर वायर, डायमीटर कितना अपने पास 5 का दे रखा हमें, कितना है 35 mm, कितना व्यास है 35 mm। ऐसे हमने 5 सिल्वर के वायर भी बनाए, तो हमें टोटल फाइंड करना है कितनी वायर की लंबाई है, लेंथ ऑफ वायर हमें फाइंड करना है। तो देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लिखा है क्वेश्चन द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यहां आपने क्या लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई देखो कितनी हो जाएगी, यहां सर्कमफ्रेंस प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा, सर्कमफ्रेंस प्लस 5d। कितना हो जाएगा वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वृत्त की परिधि प्लस 5 × व्यास। कितनी डायमीटर की हमने ये लेंथ की, देखो ये यूज किया हमने सिल्वर वायर 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, ये पूरा कितना हो जाएगा डायमीटर, या रेडियस मत काउंटिंग है ना, रेडियस 10 हो जाएंगे। डायमीटर कितना अपने पास 5। तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, या दूसरा फॉर्मूला आप नहीं लिख सकते π × d प्लस में 5d। अब देखो डायमीटर कितना है अपने पास π d प्लस 5d। अब देखो पाई की वैल्यू हमें कितना लेना है, नहीं लिखा इधर, तो अपने क्या लेंगे 22/7 डायमीटर कितना है यहाँ 5, डायमीटर कितना है 35 mm, तो यहाँ 35 प्लस 5 × 35 7 × 7, 7 × 5 = 35 कितना आ गया अपने पास 22/5 = 110 प्लस 35/5 = 140 प्लस 35 = 175 कितना आ गया अपने पास आंसर 100 + 100 = 285 mm कितना आ गया अपने पास आंसर 285 mm। तो देखो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो सर्कमफ्रेंस प्लस में 5d, वृत्त की परिधि प्लस में 5 × व्यास, कितना हो जाएगा πd प्लस में 5d, पाई कितना है 22/7, डायमीटर कितना है 35 प्लस 5 × 35, कितना हो जाएगा 110 + 175 = 285 mm। आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है इसी में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा
यहाँ देखो टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, सर्कल टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। डिवाइड किससे करना है, देखो डिवाइड अपने टेन इक्वल सेक्टर में डिवाइड है, तो 360 अपॉन में टेन कितना हो जाएगा 36 डिग्री, कितना आ जाएगा अपने पास 36 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल थीटा है वो कितना हुआ 36 डिग्री। रेडियस देखो, रेडियस हमारे पास कितनी है, व्यास है हमारे पास कितना है 35 mm, डायमीटर 35 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2। लिखा हमने इधर, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ब्रोच, एरिया ऑफ ब्रोच, ब्रोच का क्षेत्रफल क्या फाइंड करना है, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड में 360 डिग्री। पाई हमें कितना लेना है 22/7, आर कितना हो जाएगा 35/2, यहाँ आर कितना हो जाएगा 35/2, थीटा कितना हुआ 36/360 डिग्री। 7 × 7 = 7, 7 × 5 = 35, 36 × 36 = 360। अब यहाँ देखो 2 से 22 कट हुआ कितने टाइम्स 11 टाइम्स, 5 × 5, 5 × 2 = 10। अब देखो यहाँ लिखा है 35 × 11, कितना लिखा है 11 × 35, डिवाइड में लिखा है 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, तो 350 + 35, 385 / 4, 385 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा 4 × 9 = 36, फिर कितना आया 25, तो 4 × 6 = 24, फिर कितना हुआ 10, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, 96.25। आगे देखो एरिया हमने फाइंड किया और लेंथ हमारे पास यूनिट क्या हमारे पास mm, तो 96.25 mm² क्या लिखेंगे इधर 96.25 mm². देखो क्वेश्चन में लिखा था एक ब्रोच है, सिल्वर वायर बनाया हमने, तो देखो एक तो हमने राउंड शेप दी थी, तो हमने लिखा था सर्कल की सर्कमफ्रेंस वृत्त की परिधि, और दूसरा हमने सिल्वर के वायर यूज़ किए थे लेंथ मतलब डायमीटर के रूप में, तो कितने यूज़ किए थे हमने 5, तो 5 × डायमीटर, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड की कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितना हमें चाहिए। सेकेंड लिखा था हमें द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, हमें एरिया फाइंड करना है ईच सेक्टर का, देखो ईच सेक्टर का फाइंड करना है, तो 360/10 कितना हो जाएगा 36 डिग्री, पर्टिकुलर हर एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री का, तो एरिया ऑफ ब्रोच कितना हो जाएगा, ब्रोच का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू जब मेंशन हो 23.14 तभी हमें लेना है, अदरवाइज हमें 22/7 ही अप्लाई करना है, तो 22/7 डायमीटर था 35, तो रेडियस कितना हुआ 35/2। फिर देखो यहाँ एंगल थीटा हमारे पास कितना है 36/360, इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास आंसर कितना है 96.25 mm². तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।